आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फार्मूला को सीखेंगे। मैंने अधिकतर देखा हुआ है जब कोई बीएससी के स्टूडेंट मैथ्स को सॉल्व करते हैं या एमसीए बीसीए या कॉलेज के स्टूडेंट या 11th 12th का कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स को सॉल्व करता है तो जो 11th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके जो फार्मूलेस लगते हैं वो बहुत काम आते हैं। जैसे कि आपको ये पूरे फार्मूले मैं इसमें बता दूंगा, अगर आप ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सीख गए तो चाहे आप 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ लें, 12th का इंटीग्रेशन पढ़ लें, 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लें या A to Z कोई सा भी मैथ्स पढ़ लें, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत काम आने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ये चार फॉर्मूले लिख रहा हूँ और ये चार फॉर्मूले सबको आते होंगे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है नेगेटिव जिस माइनस वाला, जिसमें बोलेंगे साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इनसे दूसरे फॉर्मूले मैं आपको बनाऊंगा, वो फॉर्मूले आपको सीखना है। ऐसे ही दो कॉस के लिए होते हैं, एक होता है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस के लिए माइनस वाला भी होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन फॉर्मूले से मैं दूसरे फॉर्मूले को बनाता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूले याद करने के लिए थोड़ा तरीका समझ लें। साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जब प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक बार साइन के साथ ए आता है दूसरी बार में साइन के साथ बी आएगा, एक बार कॉस के साथ बी आता है तो दूसरी बार में कॉस के साथ ए आएगा। ऐसे ही कॉस में जब प्लस आएगा तो माइनस आता है और माइनस आएगा तो प्लस। कॉस में पहले दो कॉस आते हैं फिर दो साइन आते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, जो कि बड़ी बड़ी जैसे बीएससी एमसीए बीसीए के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ध्यान आता है, यहाँ पे प्लस वाले में तो आप आगे पीछे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो साइन के साथ आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको 45-90 डिग्री दिया है तो आप 45-90 करेंगे कि 90-45 करेंगे, तो जो साइन के साथ दिया हुआ है उसको माइनस कॉस वाले को करा जाता है। अब अगर मैं इनसे दूसरे फॉर्मूले बनाऊं तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो LHS ऐड होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। LHS ऐड होगा और RHS है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास 2 साइन ए कॉस बी। ऐसी अगर मैं इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जैसा कि 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड में होता है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये दोनों बचेंगे तो ये बचेगा 2 cos A sin B। अभी मैं इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन फॉर्मूले का यूटिलाइज कहाँ पर होता है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक फार्मूला और बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो साइन साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा आपके पास 2 cos A cos B। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी। एक बल्ट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस का 2 sin A sin B। ये माइनस को आप चाहें तो इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और मतलब माइनस को इधर ट्रांसफर करें तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में ये बचेगा 2 sin A sin B। तो आपने देखा होगा वो चार जो सिंपल फॉर्मूले थे उनसे ये चार फॉर्मूले बन गए। एक बार मैंने दोनों साइन वालों को ऐड कर दिया
LHS को LHS है, RHS को RHS है, एक बार दोनों को मैंने माइनस कर दिया है, एक बार दोनों कॉस वालों को मैंने ऐड कर दिया है और एक बार दोनों कॉस वालों को माइनस कर दिया है। अब इन्हीं से मैं इन चार से ये चार बने और इन चार से मैं और चार फॉर्मूले बनाता हूँ भी। लेकिन अब ये फॉर्मूले आपको कहाँ काम आते हैं, जिन लोगों ने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा है उन लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई मेथड नहीं होती है। जब कभी भी दो साइन मल्टीप्लाई में जाएं, दो कॉस मल्टीप्लाई में जाएं, तो आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा कि टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड करते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन में ऐसा आ जाता है तो ये उल्टे लगती है, उनमें टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड करके ऐसा रिवर्स में फॉर्मूला लगाया जाता है। तो ये वहाँ पे काम आते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में ये आपको काम आएंगे। और जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं और बीई M2 में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म चलता है उसमें भी ये काम आते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। अब मैं एक और फॉर्मूला बनाता हूँ जिनको आपने साइन सी प्लस साइन डी के नाम से बहुत पहचाना होगा, बहुत सुना भी होगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, मैं अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूँ a प्लस बी को c कंसीडर कर लूँ और a माइनस बी को मैं d कंसीडर कर लूँ, a प्लस बी को मैंने c कंसीडर कर लिया है और a माइनस बी को d कंसीडर कर लिया है, इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करूँ, जो 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड थी उससे अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या होगा, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू में सी प्लस डी, टू इसके अपॉन में चले जाएगा तो सी प्लस डी अपॉन में 2, ये a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू आप यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी c माइनस डी अपॉन में 2, a और b की वैल्यू आ गई। अब इन चारों इक्वेशन में जिस जिस प्लेस पे a प्लस बी आ रहा है वहाँ पे आप c रख दोगे और a माइनस बी जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आप d रख दोगे, और जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ b आ रहा है वहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रखते हैं, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा आपको जिसको आप बोलते हैं साइन c, और ये हो जाएगा प्लस का साइन d इक्वल टू में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 साइन a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन में 2, और ये हो जाएगा cos c माइनस डी अपॉन में 2, इसमें भी रख देते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन c माइनस का साइन d इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। तीसरे फॉर्मूले में भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा cos c माइनस d अपॉन 2। एक फार्मूला और है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको छोटा छोटा लिखेंगे तो क्लियर सो नहीं होगा, तो फोर्थ वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास cos c प्लस cos c माइनस का cos d, तो cos c माइनस cos d इक्वल टू, तो इसमें माइनस वाले में रख दो या इसमें रख दो, तो मैं माइनस वाले में रखता हूँ, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin c माइनस d अपॉन 2। बहुत सारे लोग इसको इस माइनस को इसमें भी आगे पीछे ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो एक बार और समझो, इन चार फॉर्मूले को ऐड किया था तो ये चार फॉर्मूले बने, और इसमें a प्लस बी को अगर c कंसीडर कर लें, a माइनस बी को d कंसीडर कर लें और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 आ जाती है और b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन में 2 आ जाती है। वो सभी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले बन जाएंगे। इनको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको। पहली चीज, जब भी साइन सी प्लस साइन डी आता है, साइन सी माइनस साइन डी आता है, कॉस सी प्लस कॉस डी आता है, कॉस सी माइनस कॉस डी आता है, तो सबके साथ बार 2 का मल्टीप्लाई होता है, सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई होता है। जब दो साइन प्लस में आते हैं तो पहले साइन फिर कॉस आता है, जब दो साइन माइनस में आते हैं तो पहले कॉस फिर साइन आता है, जब दो कॉस माइनस में आते हैं तो दोनों ही कॉस आता है, जब दो कॉस यहाँ पे अपने गलत लिख दिया, दो कॉस प्लस में आते हैं तो दोनों ही कॉस आता है और दो कॉस माइनस में आते हैं तो दोनों ही साइन आता है। पहले वाले के साथ सी प्लस डी अपॉन टू का मल्टीप्लाई होता है और दूसरे वाले के साथ सी माइनस डी का अपॉन टू का
मल्टीप्लाई होता है। तो आप समझ गए होंगे इन चार फॉर्मूले से चार फॉर्मूले बने और इन चार फॉर्मूले से ये चार फॉर्मूले बने, ये भी आपको बहुत ज्यादा काम में आते हैं। अब इन चार फॉर्मूले से मैं और फॉर्मूले बनाऊंगा जो भी आपको काम में आएंगे। अभी आपने देखा कि अपन ने साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले बनाए, अब अपन देखते हैं इसके जो साइन टू ए के फॉर्मूले होते हैं, साइन टू डीटा का फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा कंसिप्ट हो जाए कि ए इक्वल टू बी हो जाए, दोनों एंगल इक्वल आ जाए, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं उनसे दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो साइन ए प्लस बी से और एक कॉस ए प्लस बी से। माइनस वाले से इसलिए नहीं बनाए क्योंकि दोनों माइनस सकेंगे तो जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे अपन रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए, इधर भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे साइन ए और कॉस ए, प्लस का इधर भी हो जाएगा आपके पास कॉस ए साइन ए, तो ये दोनों ऐड होके ये हो जाएगा आपके पास साइन टू ए इक्वल टू में ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस ए। तो ये साइन टू ए का एक फॉर्मूला बन गया है जो कि बहुत ज्यादा काम आता है आपको। अब यहां पे अगर अपने पास 2a आ रहा है तो आप देख रहे होंगे यहां पे a आ रहा है, मतलब यहां डबल एंगल आएगा तो उसका यहां पे हाफ एंगल, अगर यहां 60 डिग्री तो यहां 30 30 आएगा। अगर यहां पे सिंगल a आ जाए, सिंगल a आ जाएगा तो 2 sin a अपॉन 2 cos a अपॉन 2 होता है, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे जैसे अपन ने साइन के लिए किया है वैसे ही अपन कॉस के लिए भी करें तो एक नया फार्मूला बन जाता है। कॉस के लिए भी अगर अपन दोनों प्लेसेस पे ए रख दें तो कॉस ए प्लस ए इक्वल टू में तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए साइन ए, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस टू ए इक्वल टू में तो ये जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये कॉस टू ए का फॉर्मूला बन गया। इसका भी हाफ एंगल का फॉर्मूला बनता है, इसका भी हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे टू ए आ रहा है तो यहाँ पे ए बाई टू आ जाएगा, तो ये कॉस ए इक्वल टू में तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूले को समझना और फॉर्मूले का यूटिलाइज करना दोनों डिफरेंस है। अभी फॉर्मूले समझ रहे हैं, मैं इस यूट्यूब चैनल पे बीएससी का मैथ्स, बीसीए का मैथ्स, बीई बीटेक का मैथ्स पढ़ाता हूँ, उसमें बीच बीच में जब ये फॉर्मूले काम आएंगे तो मैं आपको बताते चलूंगा इनका कहाँ पे किसका यूटिलाइज होगा। अब ऐसे ही अगर अपन इसके अंदर कॉस टू ए का, तो कॉस टू ए का एक पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी होता है, कॉस टू ए का एक पूरा फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में भी होता है, तो कॉस टू ए का अपन कॉस साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में भी बनाते हैं सर। तो यहाँ पे अपने पास मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाहूँगा क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे रब कर देते हैं इसको और मैं यहीं से रब कर देता हूँ। साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए होता है, बहुत समझ गया हूँ। अब यहाँ पे जो कॉस टू ए का पूरा फॉर्मूला है मैं यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ, कॉस टू ए इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। अब कॉस टू ए का जो फॉर्मूला है उसको पूरे फॉर्मूले को आप चाहें तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को, या पूरे को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस टू ए को इक्वल टू इसकी जगह मैं टेंथ क्लास का एक फॉर्मूला रख देता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये कॉस टू ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस टू ए का फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर भी हाफ एंगल फार्मूला बनता है, वो मैं इधर लिख देता हूं, तो हाफ एंगल फार्मूला क्या हो जाता है इसका, कॉस टू ए इक्वल टू में वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू, ये कॉस टू ए कॉस ए का फार्मूला बन गया, टू ए नहीं ए, इसको हाफ एंगल। अब यहां पे दूसरी चीज इसी में, अभी मैंने कॉस को चेंज किया था, मैं साइन को अगर चेंज कर दूं तो कॉस टू ए का एक और फार्मूला बन जाएगा, इसको वापस से चेंज कर रहे हैं, तो ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज है माइनस, यहां पे अगर मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दू, टेंथ क्लास का जो फॉर्मूला होता है, तो ये कॉस टू ए ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज है माइनस वन, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कॉस टू ए इक्वल टू में तो टू कॉस
स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये cos 2a का पूरा cos के फॉर्म में फॉर्मूला बन गया और ये cos 2a का पूरा sin के फॉर्म में फॉर्मूला बन गया। अब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला भी मैं इधर लिख देता हूँ। जब यहाँ पे cos 2a है, अगर सिंगल a आ जाए cos a, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस वन, ये इसका चेक। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक टाइप से बताता हूँ, ये फॉर्मूले तो आप समझ गए, लेकिन जो यूज़ में आते हैं इंटीग्रेशन या दूसरे मैथ्स में जो यूज़ आते हैं वो मैं तरीका बताता हूँ। वन माइनस कॉस टू थीटा, थीटा के रूप में लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास टू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर वन प्लस कॉस टू थीटा, तो ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं पे अपने पास तीसरा जो फॉर्मूला है साइन टू थीटा, तो ये होता है आपके पास टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इन फॉर्मूले के बिना ना तो आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, ना डिफरेंशिएशन कर पाओगे, ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ना कंटिन्यूस, ना डिफरेंसिबिलिटी। और बीएससी में तो ये इतने ज़्यादा काम आते हैं कि इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इनको याद करने का तरीका बताता हूँ कि जब 1 माइनस कॉस टू थीटा आता है तो साइन के रूप में, मतलब माइनस वाले में साइन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, प्लस वाले में कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके हाफ एंगल के लिए 1 माइनस कॉस थीटा आ गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर 1 प्लस कॉस टू थीटा आ गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर साइन टू थीटा आ गया तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं जिससे अपन बना सकते हैं। इन चार्ट से अपन ने कितने सारे फॉर्मूले बनाए वो भी सीख गए होंगे। अब मैं आपको साइन 3a cos 3 का फॉर्मूला भी थोड़ा इसके बाद कराता हूँ, लेकिन बीच में अपन कोऑर्डिनेट को समझते हैं। अब अपन कोऑर्डिनेट को समझती हैं। कोऑर्डिनेट में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो पॉजिटिव भी होता है तो क्यों होता है और निगेटिव होता है तो क्यों होता है। ये आप जरूर देखें क्योंकि ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट में मैं अभी आपको एंगल भी बताने वाला हूँ और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसके अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। आप जेई मेंस की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी करो, ये भी लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये एंगल जो होते हैं वो आपको पता है, ये आपके पास 360 मैंने लिख दिया। अब सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बापू, या बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं पाकिस्तान मंजर पढ़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान मंजर पढ़ा, ए टू जेड कैसे भी। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन के लिए पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करती है, 90 डिग्री के एंगल पे वर्क करती है। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। अब अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल कहीं भी बनाओ तो इस टाइप से बनेगा, उसका बेस इस एक्सिस पे लाई करेगा और ये प्लस का एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस का बाई एक्सिस होता है और ये माइनस का बाई एक्सिस होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूँ तो साइन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन एच होता है, उसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू में एच अपॉन पी होता है, और यहीं पे कॉस थीटा इक्वल टू में जो होता है वो बी अपॉन एच होता है, और उसका उल्टा अगर अपन बात करें सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी होता है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा जो होता है वो पी अपॉन में बी होता है और cos थीटा जो होता है वो b अपॉन में p होता है। अब अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं भी ट्राइंगल बनाऊं तो ये उसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका हाइपोटेनियस। बेस प्लस के एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है इसलिए बेस ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे बाय जो परपेंडिकुलर है प्लस के बाय कोऑर्डिनेट पे लाया कर रहा है, बाय एक्सिस पे लाया कर रहा है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है।
तो यहां पे कहीं भी ट्राइंगल बनाओ तीनों साइड पॉजिटिव होंगी तो कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब है 0 से लेके 90 के बिटवीन सभी के एंगल की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव होगी। आपने 10th क्लास में जितने भी एंगल पढ़े वैल्यू कुछ भी हो लेकिन हमेशा पॉजिटिव आती थी, कभी भी आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं देखी। साइन 30 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती थी, कॉस 30 की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। तो यहाँ पे अपन ए लिख देते हैं, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे सब पॉजिटिव क्यों होते हैं। अब अगर मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं इधर लेता हूँ तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन में एच, और उसका उल्टा लेता हूं अगर मैं कॉसेक थीटा इक्वल टू में तो ये हो जाएगा एच अपॉन में पी। इधर भी बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू में बी अपॉन में एच, और सेक थीटा इक्वल टू में एच अपॉन में बी, और टेन को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन में बी, और कॉट इसी के इधर लिख देते हैं अपन, कॉट थीटा इक्वल टू में बी अपॉन में पी। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनेगा, तो ये माइनस का बी होगा बिकॉज जो बेस है वो माइनस के एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए बी क्या होगा माइनस का होगा, और यहाँ पे हाइपोटेनियस प्लस का होगा। तो बी माइनस का आ रहा है इसलिए जिस जिसमें बी आ रहा है वो सब माइनस हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे सेक में भी बी आता है माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सिर्फ साइन और कोसेक में पी एच आता है, बी आता ही नहीं है, इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब वैल्यूज क्या होती है निगेटिव होती है। इसका मतलब है 90 से लेके 180 के बीच में, 90 से लेके 180 के बिटवीन साइन और कोसेक की कोई भी एंगल ले लो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब एंगल्स क्या होंगे निगेटिव होंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होगी, बाकी सब क्या होगी नेगेटिव होगी। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। अब आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है और क्यों होता है। अब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल उल्टा बनेगा क्योंकि उल्टा एक्सिस लाई कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर माइनस का और बेस ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है वो भी माइनस का, और ये हाइपोटेन्यूस। अब ये मैं छह ट्रिग्नोमेट्रिक को यहां पर भी लिखता हूं, तो साइन थीटा इक्वल टू वही पी अपॉन में एच, और कोसेक थीटा इक्वल टू में इधर भी कितना होगा एच अपॉन पी, इधर भी यहां पे अपन कॉस के लिए लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू में बी अपॉन एच, इधर भी सेक थीटा इक्वल टू में एच अपॉन बी, इधर अगर अपन बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन में बी, और cot थीटा इक्वल टू में b अपॉन में p। अब जिस जिसमें b और p आ रहा है, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है वो सब निगेटिव होंगे, तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, और इनमें दोनों में आ रहा है तो कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और उसका उल्टा cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो पहले ट्राइंगल बना लो। तो ट्रायंगल में बेस पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस के एक्स एक्सिस पे आ रहा है, परपेंडिकुलर माइनस होगा क्योंकि माइनस के बाय एक्सिस पे आ रहा है, और ये हाइपोटेनियस होगा। अब मैं यहाँ पे सब के सब ट्रिग्नोमेट्री को लिखूँ तो साइन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन एच, उसका उल्टा अगर बात करें कोसेक थीटा इक्वल टू में एच अपॉन पी, और यहीं पर अगर अपन बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू में बी अपॉन एच, और sec थीटा अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा h अपॉन b, यहीं पे अगर अपन बात करें तो tan थीटा इक्वल टू में p अपॉन में b, और cot थीटा इक्वल टू में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे p निगेटिव है क्योंकि वो माइनस के बाय एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो जिसमें p आता है वो सब क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे b और p, सिर्फ cos और sec में p आता ही नहीं है इसलिए वो निगेटिव नहीं होंगे। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस और उसका उल्टा सेक, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से लेकर 90 के बीच में सभी के एंगल 10th क्लास की टेबल में पॉजिटिव आते थे, निगेटिव कोई भी वैल्यूज नहीं आती। क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ तीनों साइड पॉजिटिव आती है, इसलिए सभी के एंगल क्या होते हैं पॉजिटिव।
सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो माइनस का बेस आता है, और माइनस का बेस आएगा तो जो जिसमें बी आ रहा है वो सब नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसको याद करने की बहुत सारी स्कूलों में आपके टीचर्स ने, आपकी कोचिंग स्कूल वाले टीचर ने भी सिखाया होगा, शॉर्ट ट्रिक मैं भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, या ऐसे ही बोलते हैं ऑल सिल्वर टी कप। और बहुत सारे लोग मजाक में ऐसा ही बोलते हैं आ सनम तेरी कसम, ऐसा भी बोलते हैं। मतलब ये याद करने का एक तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, क्यों होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा समझाया, और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें पूरा सब कुछ आने वाला है। अब इसके बाद मैं आपको एंगल निकालने वाला भी समझा देता हूँ। एंगल निकालने का जो फंडा होता है, जो क्लियर होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक मेरी खुद की बनाई हुई मेथड है जिसको हैंड हाथ वाली मेथड बोलते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपने एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई सा भी ले सकते हैं, उसको यहाँ पर ड्रा कर लो, और ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ब्यूटीफुल बने, आप जैसा भी ड्रॉ होता है उसको ड्रॉ कर लें, और किसी का भी हाथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ से चालू करेंगे 0 degree, और ये 30, और ये 45, ये 60, और ये कितना 90। इसकी मैं लाइन भी बताएं, भाग्य की रेखा भी बना देते हैं। इस डायरेक्शन को साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस डायरेक्शन को कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 30 degree, ये 30, 45, और 0, 30, 45, 60 और 90, पांचों एंगल को आप यहां पर रिप्रेजेंट करो। सिर्फ साइन और कोसेक कॉस की वैल्यू निकलती है, बाकी सब इनकी मदद से निकाल लेते हैं। अभी मैं टेबल भी सिखाऊंगा, जो 10th क्लास की आपकी टेबल है वो भी सीखेंगे। इधर देखें सब लोग, अब इधर देखें, यहां पे आप एंगल के लिए जो एक ही फॉर्मूला होता है एंगल के, वो होता है अंडर रूट के अंदर अपॉन में 2। यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ फिंगर, उंगलियों की जो संख्या है वो यहां पे लिखे हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब मान लीजिए मेरे को साइन 30 के वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 के लिए तो 2 तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट आएगा, 30 किधर आ रहा है इधर, और साइन के लिए किस डायरेक्शन में, इसमें इसके पहले कितनी उंगली आ रही है 1, तो 1, और 1 का रूट 1 होता है तो 1/2, तो ये साइन 30 के वैल्यू, सॉरी यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 60 की वैल्यूज के लिए आप 2 तो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, 60 कहाँ है यहाँ पे, इसके पहले कितनी उंगली आ रही है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दो। तो देखिए साइन 60 की डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल गई है क्या, √3/2, तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी बच्चे को साइन 90 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2 तो ऑलवेज आएगा, अंडर रूट भी आएगा। अब कितनी उंगलियाँ लिखना है वो इधर से देखना पड़ता है। 90 यहाँ पे साइन के लिए इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इसके पहले कितनी उंगलियाँ आ रही हैं 4, उंगलियों की संख्या नंबर ऑफ फिंगर्स कितने यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे आप 4 लिख दो, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा। तो साइन 90 की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। आप समझ रहे होंगे, अस्थिर की जरूरत नहीं है, इधर देखें। अब ऐसे ही मान लीजिए किसी को साइन 45 की वैल्यू चाहिए, आप बोल रहे हो सर कॉस की भी निकालना है, साइन किसी को भी, साइन 45 की वैल्यू चाहिए, तो 2 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, 45 यहाँ है, इसके पहले कितनी उंगली आती है 2, तो अपन यहाँ लिख दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ उसको 1/√2, चाहो तो इसको √2 का होल स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचे, तो साइन 45 की वैल्यूज आ गई आपके पास, जो 1/√2। अब कॉस की वैल्यू भी, तो कॉस की वैल्यूज मैं इधर देख करके बताता हूँ आपको। मान लीजिए किसी को बच्चे को कॉस 30 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो अपॉन में आएगा, रूट भी आएगा, और 30 के लिए तो कॉस के इधर चलना है क्योंकि इस डायरेक्शन में कॉस जाते हैं, तो इसके पहले कितनी उंगलियाँ थी 3, तो √3/2, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए किसी को साइन 30 की वैल्यू चाहिए, सॉरी कॉस की निकाल रहे हैं अभी अपन, कॉस 0 degree की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो आएगा, अंडर रूट आएगा, कॉस के लिए इस डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन, अंगूठे की डायरेक्शन जाएंगे, तो उसके पहले कितनी उंगलियाँ रही 4, तो 4, तो 2/2 कैंसिल होकर 1 बचेगा।
तो कॉस जीरो की वैल्यू आ गई 1। बड़ी बड़ी क्लास में बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। मैंने बीएससी बीसीए कॉलेज के स्टूडेंटों को देखा है कि वो छोटे छोटे एंगल निकालना ही भूल जाते हैं, तो आपको ये बहुत काम आएगी वहाँ पे। तो इससे आप कॉस और साइन के वैल्यू निकाल पाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, छोटी उंगली साइड साइन को डायरेक्ट डिनोट करता है, थंब हमेशा कॉस को डिनोट करता है। 0, 30, 45, 60, 90 और राइट हैंड लेफ्ट हैंड ए टू जेड आप कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको इस टाइप से आप एंगल निकाल सकते हैं। एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर नंबर ऑफ उंगलियां अपॉन 2। अब आप इसके अंदर ये पूरा बना देंगे। अब मैं आपको 10th क्लास के टेबल भी बता देता हूँ, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ लो, उसके बाद जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नहीं तो कई बड़े बड़े क्वेश्चनों में बच्चे सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, सर इसकी अगर वैल्यू आ जाती तो हम ये कर लेते, अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आप कहाँ से कर पाओगे। तो इसलिए अपन वो भी समझ लेते हैं। ये 10th क्लास की बहुत इजी टेबल है, हर किसी को आती है, आपने भी सीखी होगी, मैं भी सिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे इस टाइप से और यहाँ पे 0 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे 30 लिखते हैं और यहाँ पे 45 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री लिखते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, सब में 4 का डिवाइड कर देंगे। ऐसा आपने 10th क्लास से बहुत पढ़ा होगा, सब में 4 का डिवाइड कर, और जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर लो। ये बात मैं आपको बता दूं कि 0 अपॉन में डिजिट में 1 ले लेता हूँ इक्वल टू 0 होता, उल्टा हो जाए 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन टर्म होता, इनफाइनाइट होता। तो यहाँ पे तो ये 0 बनेगा, मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये 0 बचेगा, ये 1/4 बचेगा, ये 1/2 बचेगा, ये 3/4 बचेगा और ये 1 बचेगा। सबको रूट में डाल दो, मैं इसी में डाल देता हूँ, सबको रूट में डाल देते हैं। तो सबको रूट में डालेंगे, 0 का रूट 0 होगा, 1/2 इसका रूट 1/2, 1 का रूट 1 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की, 45, 60 सब किया। इसका उल्टा लिख दो, उल्टा लिखने मतलब पकड़ के इसको ऐसा घुमा दो तो वैल्यूज जो हैं वो आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ 1, उधर से लिखना चालू कर दें √3/2, 1/√2, मेरे को पता है कि आपको आता है पर सीखना है, क्योंकि कॉलेज में बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी चीज भूल जाते हैं। और अपन यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे, तो कॉस का जो उल्टा साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 लिखेंगे नहीं, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 का उल्टा ऐसा नहीं लिखना ना, सिर्फ 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब यहाँ पे sec थीटा, तो जो sec की वैल्यू लिखोगे आप तो यहाँ पे उसका 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये 2/√3 हो जाएगा, इसके अंदर ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे tan थीटा की, तो tan थीटा की बात भी मैं कर लेता हूँ इसमें। देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये 0/1 कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ करके देख लो, अगर नहीं आता है तो 1/2 और ये √3/2, तो ये रेसिप्रोकल होंगे 1/2 और ये 2/√3 कैंसिल होकर 1/√3 बचेगा। ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 बचेगा। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइन बचेगा। तो ये cos थीटा की वैल्यूज भी मैं लिख देता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, होने दो, क्योंकि आज अगर आपने इसको पढ़ लिया तो मेरी गारंटी आप BC का मैथ्स पढ़ लो, BCA का मैथ्स पढ़ लो, BE का मैथ्स पढ़ लो, BTech का मैथ्स पढ़ लो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना है। अब अपन समझते हैं इसके लिए cot, तो उधर से लिखेंगे इन्फिनिटी और √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। अब मैं इसमें कुछ दिखा दूं जो आज तक आपने देखा नहीं है। देखो साइन के वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, कॉस की वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कॉस की वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। दूसरी चीज यहां पे, अब आपको जो
60 की वैल्यू होती है वही 30 की होती है, साइन कॉस में ऐसा रिलेशन। इधर जो 30 की वैल्यू होती है वही 60 की वैल्यू होती है, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप चलता है। और जो जीरो की वैल्यू होती है वही 90 की, और जो 90 की होती है वो जीरो की। इधर भी जो 90 की जीरो की, मतलब 90 जीरो की वैल्यू एक दूसरे को क्रॉस करती है, 30 और 60 की वैल्यू एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये आपको आती होगी और आना भी चाहिए क्योंकि सभी लोग 10th क्लास पास हैं, और पर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके इसी में आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, क्योंकि इसको देखें यहाँ पे साइन एन पाई की जो वैल्यू है वो जीरो होती है, साइन 2π 3π 4π कॉस कुछ भी हो इंटीजर उसकी वैल्यू जीरो होती है, और कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n। ये ध्यान रखना, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n। अगर 1π आ गया तो -1, मतलब 180 साइन सॉरी कॉस 180 की वैल्यू -1, और 200 मतलब 360 जब यहाँ पे 3π आ जाए तो माइनस में आएगा क्योंकि ऑड है तो माइनस में जाएगा। अब अगर जो 60 की वैल्यू होती है वही 120 की वैल्यू होती है, और जो 45 की वैल्यू होती है वही 135 की वैल्यू होती है। तो आप समझ गए होंगे एंगल निकालने वाली चीज़ें। अभी आपको मैंने एंगल निकालना सिखाया, अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन की किसकी वैल्यू कहाँ पर होती है, और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया हुआ। जो जिसके कोऑर्डिनेट में 0 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 होता है और 360 होता है। जो 0 की वैल्यू होती है वही 360 की वैल्यू होती है, और जो 0 360 की वैल्यू होती है वही 180 की होती है। ये पॉजिटिव होती है क्योंकि प्लस के एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे, और ये नेगेटिव होती है क्योंकि माइनस के एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और जो 90 की वैल्यू होती है वही 270 की वैल्यूज होती है, और ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉस एक्स जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट और कॉस एक्स जीरो की वैल्यू 1। तो वही सेम टू सेम, जो जीरो की वही 360 की, क्योंकि दोनों एक ही प्लेसेस पे लाइक कर रहे हैं। अब जो इनकी वैल्यू होती है वही इसकी होती है, साइन 180 की वैल्यू जीरो, कॉस 180 की वैल्यू -1, टेन 180 की वैल्यू जीरो, कॉट 180 की वैल्यू -इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट क्या है, माइनस लगाओ प्लस लगाओ वो तो एक ही रहता है। लेकिन ध्यान रखना, जो बड़ी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एमएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बीएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में भी डिफरेंट होता है। और वहाँ पे आप जब प्रूफ करोगे तो माइनस इनफाइनाइट के प्लेस पे कॉट 180 रखोगे और प्लस, तो ये डिफरेंट आपको चलता है, इसलिए आपको इसको भी समझना है। और जो 90 की वैल्यू होती है वो 270 की, ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी आपने एंगल भी सीख लिया कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और कहाँ पे किसकी क्या वैल्यूज होती हैं। अब अपन ये सीखते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है अभी, और फिर भी मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ। इससे आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और यह सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑल सिल्वर टी कप, ये मैंने आपको इसके थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड में जाना है तो 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा, और सेकंड से फर्स्ट में जाना है तो 90 माइनस थीटा, मतलब छोटे से बड़े में आने के लिए प्लस करना पड़ता है, बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है। अगर आपको सेकंड से थर्ड में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा 180 प्लस थीटा, और इससे इसमें जाना है तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। इससे इसमें जाना है तो 270 प्लस थीटा, और इससे इसमें जाना है 270 माइनस थीटा, और यहां से आपको जाना 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब आपको एक चीज बता दे, चाहे आप आरडी की बुक देख लो, आरबी त्रिपाठी की बुक देख लो, 11th क्लास की कोई सी भी बुक को उठा के देख लो, ये जो दिया हुआ है उसमें ऐसा सर्कल फॉर्म में बनाया हुआ, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया। जब कोई भी 90 या 270 को क्रॉस करके जाता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में, सेक कॉस सेक में, और कॉस सेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है, काल्पनिक होता है, दिखता है नहीं है। जब कोई इसको क्रॉस करके या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, मतलब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉस में, कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाता है।
अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कन्वर्ट केवल 90 और 270 पे होगा, बाकी किसी पे कुछ नहीं होता है। अब मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, और यहाँ पे अगर अपन लें साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने 10th क्लास में कॉस थीटा लिखा। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें, तो पॉजिटिव की निगेटिव ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है वो। ऐसी अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 90 प्लस थीटा ले लूँ, तो 90 प्लस थीटा वो कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। पहली चीज 10 है तो 10 का में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, क्योंकि 90 के थ्रू जा रहा है, और यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस लिखते नहीं। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे ने साइन 180 प्लस थीटा ले लिया, अब 180 के थ्रू जा रहा है तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, पहली चीज साइन थीटा ही रहेगा। अब यहाँ प्लस साइन देखते हैं, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 10 कोट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए इसके आगे माइनस है। और देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए यहाँ पे 10 360 माइनस थीटा ले लिया, अब 360 माइनस थीटा, पहली चीज यहाँ 360 लिखा है तो आप यहाँ पे 10 थीटा ही लिखोगे, अब प्लस आएगा कि माइनस, तो 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे केवल जब 90 आए या 270 आए तो आपको माइनस प्लस देखना है, माइनस उसमें साइन कॉस कन्वर्ट होता है केवल 90 पे और 270 पे, बाकी पे किसी कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपको ये ऑलरेडी आता होगा, ये बार बार परेशान करेगा, क्योंकि एंगल कभी कभी बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं, उनको इसमें कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अपन इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको प्रूव करने नहीं आएगा, डायरेक्ट याद होता है, बहुत रेयर केसेस में लगता है। और अगर ये फॉर्मूले का आपको प्रूफ पता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। साइन 3 थीटा है तो उसको साइन 2 थीटा प्लस थीटा आप लिख पाएंगे, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पूरा कॉस के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्रूफ करने को केवल 11th क्लास में आता है, बाकी कहीं नहीं, आपको याद रखना है, लेकिन आपको प्रूफ पता है तो याद करने में इजी होगा। यहाँ पे आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये अपना प्रूफ करा, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा में आप 10th क्लास का जो फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा मिलके 3 साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी 2 साइन थीटा और साइन थीटा 3 साइन थीटा, और ये दोनों मिलके 4 साइन क्यूब थीटा हो जाए। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है, कॉस 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में होता है, दोनों में ही माइनस आता है। बच्चों को सिर्फ इतना कन्फ्यूजन होता है कि 4 का मल्टीप्लाई पहले होता है, 3 का मल्टीप्लाई बाद में होता है। तो ये साइन 3 थीटा का मैंने छोटा सा प्रूफ बताया, अब मैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला समझाता हूँ आपको। अभी मैंने आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया, और अब अपन कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। तो जब भी आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो कॉस 3 थीटा को कॉस 2 थीटा प्लस थीटा लिख देंगे। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो अपन अप्लाई किया, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। अब कॉस 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में होता है, और साइन 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है, तो अपन यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है। और यहाँ पे साइन 2 थीटा का अभी अप्लाई करेंगे, नीचे अप्लाई किया है, माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, मैंने यहाँ जगह छोड़ दी क्योंकि कुछ बच्चे पीछे से बोल रहे थे कि बोर्ड चमक रहा है। और यहाँ पे अपन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अपन यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दिया। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मैंने यहाँ साइन का भी लिख दिया है, इससे आप डिफरेंस देख पाएं, क्योंकि आपको फॉर्मूला समझना है, प्रूव करके तो दिखाना नहीं है। और कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा।
साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला 3 sin θ - 4 sin 2θ, कॉस थ्री थीटा का पूरा फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में, साइन थ्री थीटा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में। कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूला में माइनस आता है और साइन थ्री थीटा के फॉर्मूले में भी माइनस आता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले समझ गए होंगे, साथ में मैं आपको एक दो टेन के फॉर्मूले और होते हैं वो भी बता देता हूँ, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचेगा ही नहीं। और टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स, बायो, 10th, 12th, 11th, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, जेईई मेंस, नीट, सीईटी, क्लैट, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम, सभी के हम कोर्सेज पढ़ाते हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो यहाँ पे वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला और बता देता हूँ, 10a + b, ये भी 11th का ही फार्मूला है, पर ये भी काम आ जाता है। तो 10a प्लस का 10b 1 - 10a 10b, इसका ही दूसरा फार्मूला होता है 10a - b इक्वल टू में, तो ये फार्मूला हो जाता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। और इसी से एक और फार्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, और इनको ऐड करने का तरीका, जहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, या माइनस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। इसका 10a + 10b + 10c का भी होता है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ऐसे ही काम हो जाता है, इसलिए मैं उसको बना नहीं रहा हूं। मैं इसको यहां पे भी लिख देता हूं, अगर दोनों इक्वल हो जाए, a इक्वल टू b हो जाए, तो सभी प्लस पे a रख दो, तो 10a + a, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2a हो जाएगा। इधर भी सब जगह रखेंगे तो ये 10a + 10a upon 1 - 10a 10a, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 2a इक्वल टू में 2 10a अपॉन 1 - 10a2, तो ये 10 2a का। वैसे 10 2a के तो तीन फॉर्मूले होते हैं, जिनने 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनको पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा पोर्शन है, लेकिन जो जो मेजर फॉर्मूले थे जो आपको काम आने वाले हैं वो मैंने सब बता दिए हैं। और आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आपने एंडिंग तक देखा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और थैंक्स।